1987 में हैदराबाद के दो भाई मिलके एक कंपनी खोलते हैं। अगले 5 साल के अंदर ही वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है और इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन जाती है, टीसीएस, विप्रो और इंफोसिस के बाद। 2003 में ये कंपनी $1 बिलियन का वैल्यूएशन अचीव कर लेती है। जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूएस तक में एक बहुत बड़ा नाम हो जाती है। फिर एक दिन एक चिट्ठी सामने आती है और इस कंपनी के इन्वेस्टर्स 14,000 करोड़ का लॉस खाते हैं, जिसमें से एक LIC भी थी जिसने 950 करोड़ का लॉस खाया था। और फिर पता चलता है कि पूरे 7,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ सत्यम स्कैम की। तो कैसे हैं आप सब, मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ स्कैम समझे, एक ऐसी सीरीज जिसमें हम इंडिया में हुए बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स आपको समझाते हैं। वो कैसे हुए, किसने किए, कहाँ फ्लॉस थे और उस स्कैम की पूरी इकोनॉमिक समझाते हैं। आज हम बात करेंगे सत्यम स्कैम के बारे में। चलिए चिंपलो, इनसे मिलिए। ये हैं बी रामलिंगा राजू और उनके भाई रामा राजू। इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी खोल ली जून 1987 में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के नाम से। सत्यम TCS इंफोसिस की तरह ही एक नॉर्मल आईटी कंपनी थी जो अपनी आईटी सर्विसेज देती थी। और फिर आता है ईयर 1991, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इंडियन गवर्नमेंट LPG पॉलिसी लेके आई जिसके अंदर इंडियन बिजनेसेस को पूरी दुनिया में बिजनेस करने में बहुत ईज मिलती। सत्यम कंप्यूटर्स ने और एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया में फैलना शुरू कर दिया, और ज्यादा क्लाइंट्स, और ज्यादा पैसा, और ज्यादा ग्रोथ। 1992 तक ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुकी थी, नॉर्मल लोग अब इसके शेयर्स लेने लगे थे। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। हर वो आदमी जिसके पास किसी कंपनी का शेयर है वो कंपनी का लीगली ओनर होता है। आज अगर आपके पास रिलायंस का एक शेयर भी है तो उस एक शेयर के परसेंटेज के आप मालिक है रिलायंस के, लीगली। जो लोग कंपनी शुरू करते हैं उन्हें कंपनी के प्रमोटर्स कहते हैं, क्योंकि ओनर बाद में बहुत सारे हो सकते हैं, प्रमोटर्स नहीं बदलते। हमारे केस में राजू ब्रदर्स सत्यम के प्रमोटर्स हैं। अब अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है तो अपना 100% हिस्सा नहीं दे देती है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है और ये सिर्फ एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। 100 में से सपोज 8% स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया गया जिसमें नॉर्मल लोग इन्वेस्ट करते हैं। 30% इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका काम है इन्वेस्ट करना वो इन्वेस्ट करती हैं। जैसे हमने इंट्रो में सुना कि LIC ने भी सत्यम कंप्यूटर्स में पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में आते हैं। उसके बाद लेट से कुछ परसेंटेज इनकी फ्रेंड्स और फैमिली का भी हो गया, लेट से 10%। अब जो 52% बचा वो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग है। ये कंपनी टू कंपनी परसेंटेज डिफर कर सकता है, बट नॉर्मली ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर दिखता है किसी भी कंपनी का। अब अपनी कहानी में वापस आते हैं। सत्यम इतनी तेजी से ग्रो कर रही थी कि 2003 में उसने $1 बिलियन का वैल्यूएशन अचीव कर लिया। $1 बिलियन 2003 में और आज में बहुत डिफरेंस है। उस समय के $1 बिलियन की कीमत आज के हिसाब से बहुत ज्यादा होती है। उनकी इस तरह की सक्सेस के लिए उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और वो इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट IT कंपनी बन गई, इंडिया में एक बहुत बड़ा नाम। पर फिर 7 जनवरी 2009 को रामलिंगा राजू अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेबी और BSE को ये लेटर लिख के बताते हैं कि वो और उनके भाई सत्यम में कई सालों से नकली बैंक स्टेटमेंट्स और बिल्स छाप के उनकी बुक्स को मैनिपुलेट कर रहे थे। और सत्यम की बुक्स में कुछ 7,000 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो दिखाए तो गए हैं पर वो एग्जिस्ट नहीं करते। रुको, मैं सब समझाता हूँ। ऐसा क्या हो गया कि इतना फ्लरिश करने वाली कंपनी में अचानक कुछ ही सालों में इतना बड़ा घोटाला निकला है? जैसा मैंने बताया 1987 में सत्यम को शुरू किया गया था, पर 1988 में एक और कंपनी शुरू हुई, मेटस इंफ्रा। अरे मैं मेटस कह रहा हूँ, सत्यम नहीं, समझे? सत्यम को उल्टा पढ़ो तो मेटस बनता है, क्योंकि अगले ही साल इस कंपनी को शुरू किया गया। तो आगे चल के सत्यम के साथ जो कुछ हुआ वो शायद पहले से ही प्लान का हिस्सा था। क्या हुआ अब वो सुनो। मेटस इंफ्रा और मेटस प्रॉपर्टीज के नाम से दो कंपनियां खोली गई जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती थी। मेटस इंफ्रा और मेटस प्रॉपर्टीज के साथ साथ इन्होंने 365 और शेल कंपनीज खोली। शेल कंपनीज बेसिकली वो कंपनीज होती हैं जो सिर्फ ऑन पेपर एग्जिस्ट करती हैं, रियल में नहीं। इन कंपनीज का यूज ज्यादातर फेक ट्रांजेक्शन दिखाने के लिए किया जाता है दो कंपनीज के बीच में, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग करी जा सके या टैक्स बचाया जा सके। इन सभी शेल कंपनीज के डायरेक्टर्स राजू ब्रदर्स के फ्रेंड्स, फैमिलीज, ड्राइवर, वॉचमैन, उनकी वाइफ्स, हाउस हेल्प, पता नहीं किस किस को बना रखा था, क्योंकि मोटिव हमेशा से इन कंपनीज से फेक ट्रांजेक्शन दिखाना ही था। राजू ब्रदर्स क्या करते थे कि अपने कंप्यूटर्स में फेक बिल्स और बैंक स्टेटमेंट बनाया करते थे, ताकि इन्वेस्टर्स को ये दिखाया जा सके कि सत्यम तो बहुत प्रॉफिट कमा रही है। इस लेटर को देखिए, इस लेटर में राजू ने खुद कन्फेस किया है कि एक क्वार्टर यानी कि सिर्फ 3 महीने की प्रॉफिट की बात करें तो 61 करोड़ के एक्चुअल प्रॉफिट को उन्होंने 649 करोड़ दिखाया है। इस लेवल तक फेक बिल्स और बैंक स्टेटमेंट्स का यूज करके प्रॉफिट्स मैनिपुलेट किए गए थे। कोई भी इन्वेस्टर हो, वो मेरे आपके जैसा कोई छोटा इन्वेस्टर हो सकता है या LIC जैसा जायंट,
जब वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उस कंपनी के नंबर्स, उस कंपनी के पैसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। वो कहाँ कितना खर्च कर रही है, कहाँ से कितना कमा रही है, कितना पैसा बच रहा है, कितना कैश है बैंक में, ये सब कुछ। और राजू ब्रदर्स बहुत ही अच्छे तरीके से इसे मैनिपुलेट कर रहे थे। यहाँ पर शेयर्स प्लेज करना समझो। शेयर्स प्लेज करना एक तरीका होता है जिसमें आप अपने पास पड़े हुए किसी भी कंपनी के शेयर्स को बैंक में दे के एज सिक्योरिटी बैंक से लोन ले सकते हो उस शेयर की वैल्यू के। ये आप और मैं भी कर सकते हैं, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। वो ऐसा टाइम था जब हर जगह रियल एस्टेट बहुत ग्रो कर रहा था, तो राजू ब्रदर्स फेक ट्रांजैक्शंस दिखाकर सत्यम से पैसा मेटस इंफ्रा, मेटस प्रॉपर्टीज और सभी शेल कंपनीज में भेजते थे। उन सभी शेल कंपनीज के थ्रू वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स इन सब में इन्वेस्ट करते थे, स्पेशली रियल एस्टेट में। और साथ ही फेक बिल्स और बैंक स्टेटमेंट्स छाप के वो सत्यम के नंबर्स अच्छे दिखा रहे थे इन्वेस्टर्स को, जिससे स्टॉक मार्केट में सत्यम की वैल्यू बहुत ग्रो कर रही थी, जिसके थ्रू ये दूसरे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पा रहे थे। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे इन लोगों को कैसे बेनिफिट हो रहा है, वो तो किसी दूसरी कंपनी के नाम पे रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, तो इनके जेब में पैसा कैसे आ रहा है? शेयर्स प्लेज करके। और क्योंकि वो शेयर्स प्लेज करके लोन लेते थे, तो ना तो उनकी शेयर होल्डिंग कम होती थी क्योंकि वो बैंक के पास सिर्फ प्लेज्ड है, बेचे नहीं है उन्होंने, और ये पैसा लोन है, इनकम नहीं, तो उस पर उनको टैक्स भी नहीं देना होता। इस तरीके से राजू ब्रदर्स दो तरफ से पैसा कमा रहे थे, एक तरफ जहाँ पे वो शेल कंपनीज का यूज करके स्टॉक्स, रियल एस्टेट खरीद रहे थे, और दूसरी तरफ वो सत्यम के शेयर्स प्लेज करके बैंक से लोन ले रहे थे और उस पैसे से ऐश कर रहे थे। पर क्या राजू को पकड़े जाने का डर नहीं था क्या? क्योंकि कभी तो ये सच सामने आता, उसकी प्लानिंग इन्होंने कर रखी थी। राजू का इनिशियल प्लान ये था कि वो इस तरीके से रियल एस्टेट में खूब इन्वेस्ट करेंगे, जब उस रियल एस्टेट की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसको बेच के सत्यम में वो पैसा वापस भेज देंगे फेक ट्रांजैक्शंस करके, और बुक्स बराबर हो जाएंगी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। इनको क्या ही पता है। पर साल 2008 आता है, अमेरिका में लेमन ब्रदर्स का स्कैम पकड़ा जाता है और पूरी दुनिया में इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ता है। इंडिया में एक बहुत बुरा रिसेशन आता है, सबसे ज्यादा बुरा अफेक्ट रियल एस्टेट सेक्टर को पड़ता है। कोई प्रॉपर्टी अच्छे रेट छोड़ो बिक ही नहीं रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था कि इस रिसेशन का असर कब खत्म होगा। तो राजू को इस गैप को जल्दी से जल्दी फिल करना था, इससे पहले कि सिचुएशन उनके हाथ से निकल जाए, तो वो दूसरा प्लान बनाते हैं। सत्यम अनाउंस करती है कि वो मेटस इंफ्रा और मेटस प्रॉपर्टीज को अक्वायर कर रही है, ये डील कैश में होगी और पैसा मेटस के प्रमोटर्स को जाएगा। मास्टर स्ट्रोक। डील कैश में होती तो कोई बैंक ट्रांजैक्शंस नहीं होते रिकॉर्ड चेक करने के लिए, प्रमोटर्स इन्हीं के घर वाले हैं, मतलब ये डील होती तो पर सिर्फ ऑन पेपर, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होते। सत्य में जो एक्स्ट्रा पैसों का गैप था वो ये दिखा दिया जाता कि भाई मेटस इंफ्रा, मेटस प्रॉपर्टीज खरीदी है, उसी में पैसे चले गए, गैप फिल हो जाता। पर सत्यम के इन्वेस्टर समझ रहे थे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, उन्होंने इस डील को अपोज किया, उनके खिलाफ कुछ लॉ सूट्स भी फाइल हुए और प्रेशर में उनको ये डील कैंसिल करनी पड़ी। ये न्यूज बाहर आती सत्यम के स्टॉक्स बुरी तरह से क्रैश हो गए। जब ये दोनों प्लान्स फेल हो गए और इकोनॉमी का कुछ पता नहीं था कि कब रिवाइवल होगा, तब 7 जनवरी 2009 को रामलिंगा राजू अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सेबी को और स्टॉक एक्सचेंज को ये लेटर लिख के बताते हैं कि उन्होंने एक्चुअल में क्या किया। पर उन्होंने अपनी इमेज क्लीन रखी, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली ये लिखा कि इस पूरे मैनिपुलेशन से उनको, उनकी फैमिली को, उनके भाइयों को एक रुपये का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी कोई शेयर ही नहीं बेचा। वो तो सही कह रहे थे ना, क्योंकि उन्होंने शेयर्स बेचे नहीं, उन्होंने प्लेज किए, उनके पास पैसे भी आ गए और वो दुनिया के सामने इनोसेंट बनने की एक्टिंग भी कर रहे थे। उस लेटर से पता चला कि कुछ 7,000 करोड़ रुपए ऐसे दिखाए गए थे बुक्स में जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये न्यूज आते ही सत्यम का शेयर 170 रुपए से 6.5 रुपए पे आ गया। इन्वेस्टर्स का 14,000 करोड़ से ज्यादा लॉस हुआ, जिसमें LIC भी थी, जिसने 950 करोड़ का लॉस झेला। कन्फेशन के बाद राजू ब्रदर्स को अरेस्ट कर लिया गया, इनके साथ 47 और लोगों पर चार्जेस लगे, 365 में से 166 कंपनीज पर चार्जेस लगे मनी लॉन्ड्रिंग के। BSE और NSE से सत्यम के शेयर को हटा दिया गया, गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इस कंपनी को बेचना चाहती थी, इसे टेक महिंद्रा ने अक्वायर कर लिया और इसका नाम महिंद्रा सत्यम पड़ गया। कुछ सालों बाद टेक महिंद्रा और महिंद्रा सत्यम एक में मर्ज हो गई और अब सिर्फ टेक महिंद्रा बची है, सत्यम का कहीं नाम भी नहीं। राजू ब्रदर्स को कुछ टाइम बाद आराम से बेल मिल गई कॉपरेट करने और हेल्थ ग्राउंड्स पर, और वो बाहर आके अपनी लाइफ ऐश से जी रहे। उनकी कई शेल कंपनीज का आज तक कुछ पता ही नहीं चला, कितने रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में कितना पैसा इन्वेस्टेड है कुछ पता ही नहीं है, वो प्रॉपर्टीज कहाँ है, कितनी है, क्या कीमत है, कोई आइडिया नहीं है किसी को। इस पूरे स्कैम से मैं एक जो चीज सीख रहा हूँ वो ये कि कभी भी किसी इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा, किसी कंपनी में इतना पैसा मत डाल दो कि उस कंपनी के लॉस हो जाने पे या उस कंपनी के बंद हो जाने पे आप सड़क पर आ जाओ। थोड़ा थोड़ा पैसा बहुत जगह पर डाल के रखो।
भले ही थोड़ा धीरे ग्रो करेगा पर आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो ये थी पूरी कहानी इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी के स्कैम की, जिसने पूरी इंडिया की कॉर्पोरेट कंपनीज को हिला कर रख दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि ये सिर्फ सेकंड एपिसोड है, ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो अभी यहां पर आ जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय।